मशहूर। अच्छा, एक और कंसर्न था जिस पर मैं ये बात करना चाह रहा था कि ड्यूरिंग दिस कोविड सिचुएशन, जो लॉकडाउन है, इसमें ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि हमें ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। तो इसमें मेरे दो पॉइंट्स थे जिस पर मैं बेसिकली बात करना चाह रहा था। एक तो ये था कि आपको थोड़ा सा ये रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो कौन से बिजनेसेस हैं जो इस वक्त लोग, जिसके बायर मौजूद हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त लग्जरी आइटम्स सेल नहीं हो रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप लग्जरी आइटम्स की आप ई कॉमर्स स्टार्ट करेंगे, चलेगा, बट ये नहीं कि उस स्पीड से या उस तरह नहीं चलेगा। यही वजह है कि जितनी भी बड़ी मोबाइल कंपनीज हैं, उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन्स के प्राइसेस को बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया है। इस वक्त रिटेल इंडस्ट्री ये कह रही है कि ज़्यादातर जो है वो ग्रॉसरी आइटम्स सेल हो रहे हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं, होम अप्लाइंसेज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, बड़े आइटम्स हैं, वो नहीं बिक रहे हैं। तो ज़्यादा फोकस जो है वो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को देखना चाहिए, वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो डाई नहीं हुई हैं इस टाइम, उस पे ज़्यादा फोकस करें कि हाँ, हमने ई कॉमर्स साइट पे वहाँ पे किन किन एरियाज़ में काम करना है। दूसरा, जैसे हमारी बहुत सारी यूजुअल मार्केट्स हैं, जैसे कराची में जैनब मार्केट है या तारिक रोड है, इस तरह यहाँ पे हज़ारों दुकानें हैं जिनके पास अभी भी बहुत सारे आइटम्स पड़े हैं, बिकॉज़ ईद अब सामने आ रही है। हमारा एक दूसरा मैकेनिज्म जिस पे आई वुड सजेस्ट कि हमें शायद गवर्नमेंट लेवल पे बात करनी चाहिए, वो है हमारा वेंडर वेरिफिकेशन का। अभी भी इस वक्त जो है ई कॉमर्स में एक सबसे बड़ा मसला ये है कि पिछले दिनों हमारी फैमिली ने एक बहुत बड़ी एक ब्रांड है लाहौर बेस्ड, उनसे जो है वो एक तकरीबन को 5,000 रुपये की एक शर्ट मंगवाई थी जिसका साइज़ बाय मिस्टेक गलत आ गया। वो मिस्टेक में भी हम लोग की तरफ से हुई या उनकी तरफ से, बट कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। मतलब ये नहीं पता कि किसको रब्ता करना है। उन्होंने वेबसाइट पर तो लिखा हुआ है बट उनका UAN नंबर ठीक नहीं है, वो गलत है, या उन पर कॉल कर रहे हैं तो वो नंबर जो है वो बिज़ी जा रहा है। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किया है तो व्हाट्सएप का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है, ईमेल किया तो ईमेल का रिस्पॉन्स भी नहीं है। तो हमारा, अगर पाकिस्तान का कोई ई कॉमर्स साइट पे जो ग्राफ है वो डाउन जाएगा, तो उसके पीछे ये वेंडर की एक वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो नहायत लाजमी है, बिकॉज़ यूज़र हमेशा पाकिस्तान में ये कंप्लेन करता है कि हमने प्रोडक्ट कुछ और मंगाया था और हमें मिला कुछ और है। और इसके लिए आई थिंक एक मास लेवल पर कैंपेन होनी चाहिए, तभी जाके एक यूज़र का, कंज्यूमर का एक ट्रस्ट बिल्ड होगा टूवर्ड्स दोज सप्लायर्स जो छोटी छोटी दुकानें लेके बैठे हुए, और वो फिर बड़ा इजीली अपने आप को डिजिटल एज के अंदर ला सकते हैं। तो दैट वाज द मैसेज। थैंक यू सो मच।